गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. यू ऑल आर नो दैट आवर ऑनलाइन क्लासेस हैज बीन स्टार्टेड. आप सबको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज आपकी हिंदी की क्लास है. टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ हिंदी. और हिंदी की क्लास में आज हम सबसे पहले वर्णमाला सीखेंगे. तो जो वर्णमाला है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्णमाला क्या है. जो वर्ण होते हैं, आपने अ से ज्ञा तक जो पढ़ा, हम जो वर्ण पढ़ते हैं उनका जो समूह है वो वर्णमाला कहलाता है. आज हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे और वर्णमाला में देखेंगे कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं और वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है. तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी आज की क्लास, जिसमें हम आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताएंगे. तो जो हमारी वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, वो दो भागों में विभाजित होती है. कितने भागों में विभाजित होती है? दो भागों में. पहला भाग होता है स्वर और दूसरा भाग होता है व्यंजन. स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण अपने आप में ही पूर्ण होता है. ठीक है, जब हम स्वरों को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें अन्य व्यंजनों की उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है. तो सबसे पहले हम आपको स्वर पढ़ाएंगे और उनके उच्चारण करना सिखाएंगे. अ, जो सबसे पहला स्वर है वो क्या है? अ. आ, इ, ई, उ, ऊ, वी, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह. आपको जो भी स्वरों को रीड करना है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आ, अनार, आ, आम, हमें स्वरों को ऐसे रीड नहीं करना है. हम उससे उसके उच्चारण के साथ पढ़ेंगे. जैसे हम, मैम ने अभी आपको पढ़ के बताया अ, आ. ठीक है, ये छोटा आ है और ये बड़ा आ. तो जब हम छोटा आ बोलते हैं तो हमारा उच्चारण जल्दी होता है अ, लेकिन जब हम बड़ा आ पढ़ रहे हैं तो आ, इसमें आ का उच्चारण होता है. ई, ई, ये छोटी ई है और ये बड़ी. उ, ऊ, री. ठीक है, आपको स्वरों के उच्चारण को एकदम सही से करना है, उसको अ से अनार ऐसे नहीं पढ़ना है. अब हम बात करते हैं व्यंजन की. तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलकर ही बने होते हैं. जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर का भी उच्चारण होता है. जैसे पहला व्यंजन क्या है? क. तो इसमें क, अ का भी उच्चारण हो रहा है. ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञा. और ज्ञा, ज्ञा के बाद जो श्र, ड और ये अढ़, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं. ठीक है, तो ये हमारी वर्णमाला थी जिसमें स्वर और व्यंजनों का मिश्रण होता है. अब आपको स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण को पढ़ना है और वर्णमाला को अपनी नोटबुक में लिखना है.